नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है K2S न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। बिहार राज्य के मधुबनी जिले के कलुआही प्रखंड में एक नाबालिग लड़की सोनी कुमारी का कुछ दिनों पहले गैंगरेप कर हत्या कर दी गई थी। उसको न्याय दिलाने के लिए युवा राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर उसे न्याय दिलाने की मांग की। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। कैंडल मार्च निकला, मधुबनी में भी निकला, खजौली में भी निकला, आज हम लोग जयनगर में निकाल रहे हैं। और ये निकम्मी सरकार के जो प्रशासन है, जिसका कान पर जू नहीं रेंग रहा है, आज तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। अविलंब गिरफ्तार करे अपराधी को, नहीं तो हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग इससे भी कड़ा रुख अख्तियार करेंगे, आंदोलन करेंगे, इस निकम्मी सरकार को गद्दी से उखाड़ के फेंकेंगे। सर, आपका परिचय? मेरा नाम प्रदीप कुमार प्रभाकर, मैं राष्ट्रीय जनता दल का नेता हूँ। ना, मैं इससे पहले देखे हुए है कि गैंगरेप हुई, मुजफ्फरपुर में गैंगरेप हुई, सिवान में गैंगरेप हुई, दरभंगा में ज्योति पासवान के साथ घटना हुई, और यह मधुबनी में सोनी के साथ घटना हुई। यह सुशासन की सरकार का एक ही नारा है। सुशासन की यही पहचान, बहु बेटी हो लहू लुहान। इनको बहु बेटी से पढ़ाने से मतलब नहीं है, लहू लुहान हो जाए। सुशासन की सरकार, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार सरकार से हम आग्रह करते हैं कि आप अगर प्रशासन आपके हाथों में नहीं, आपसे नहीं संभलता है, तो आप गद्दी छोड़े, नहीं तो गिरफ्तार करें दोषियों को। राजस्थान के मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर में किसान आंदोलन के तहत एक युवा नौजवान हार्ट अटैक से मर जाने के कारण किसान महासभा की ओर से जोधपुर मथुरादास हॉस्पिटल मोजड़ी पर 24 घंटे से धरना दे रहे हैं। आइए देखते हैं संवाददाता जितेंद्र कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। गंगापुर सिटी में सर ब्राह्मण महासभा सवाई माधोपुर जिले के युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पंकज शुक्ला के गंगापुर सिटी आगमन पर महासभा के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, साथ ही समाज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। आइए देखते हैं स्वागत की कुछ झलकियां।